जय हिंद साथियों, मैं राज आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आपके सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपकी वैकेंसी आई है, वैकेंसी के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो कि आपने थंबनेल में भी पढ़ा होगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, आपको पूरी जानकारी दी गई है। और नए जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल से पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। ये देखिएगा, पोस्टेज नियम आपको दे रखे हैं, इसमें 8 सेक्शन हैं। 8 सेक्शन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सेक्शन 1 में आया साइंटिस्ट बी। साइंटिस्ट बी में लेवल 10 इन पे, इसमें पे पेमेंट भी दिख रहा होगा आपको। तो इसमें वैकेंसी आप देख सकते हैं, 13 वैकेंसी इसमें है, 2 इसमें है, 13 प्लस इसमें है, एक लोअर डिस्ट्रिक्ट क्लर्क में। और यहाँ पर अटेंडेंस MTS में भी 3 वैकेंसी हैं, और ये जूनियर लिबर्टी में भी 70 हैं असिस्टेंस, और यहाँ पर जूनियर टेक्निकल में भी 2 है, और ये डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी 2 हैं, और ये सीनियर टेक्निकल्स में भी आपका 6 वैकेंसी आपके लिए अप टू 30 ईयर्स के लिए। ठीक है, इसमें पूरी जानकारी इसमें दे रखी है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा आपको यहाँ पर। ये देखिएगा साइंटिस्ट बी में क्या क्या चाहिए, आप देख सकते हैं 13 पोस्टेज हैं, SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC, ये पूरा इसमें FVS का भी दे रखा है, पर्सन विद बेंचमार्क, इसमें देखो ये OL, HH कैन आल्सो अप्लाई, स्केल इसमें है 56-100, और इसके बाद 177,500, एज लिमिट इसमें नो एक्सेंट, इसमें 35 साल से तक होनी चाहिए। ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको दे रखी है, पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बैचलर ऑफ डिग्री इंजीनियर टेक्नोलॉजी फ्रॉम द रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट एंड सिविल क्लिनिक एम्प्लॉयमेंट। 10 पोस्टेज है मैकेनिकल की, इसमें देख सकते हैं आप, और इसमें सारा का सारा वो इसमें प्रोसेसिंग दे रखा है। जूनियर असिस्ट इसमें भी देख सकते हैं, सीनियर टेक्निकल्स में भी देख सकते हैं, वैकेंसी के साथ साथ उसकी क्वालिफिकेशन भी दे रखी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी दे रखी है। और 5वें नंबर पर जूनियर टेक्निकल है, इसमें भी 2 पोस्ट है आपको, इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है, 10th क्लास पास भी इसमें देख सकते हैं, और रिगार्डिंग बोर्ड इंस्टीट्यूट जिस भी बोर्ड से आप 10th पास होंगे वो यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं, इसमें भी आपकी 2 पोस्ट खाली है। और जूनियर लिबर्टी असिस्टेंस की भी 7 वैकेंसी हैं, इसमें भी आप यहां पर देख सकते हैं 18 and 25 ईयर्स एजुकेशन, इसमें 12th पास है। तो पूरी इसमें लोअर डिस्टेंस क्लर्क भी है, इसमें 13 पोस्टेज हैं, और इसमें भी आपकी एज बिटवीन 18 and 25 ईयर्स है, और इसमें वैकेंसी भी अच्छी है, और यहां पर क्वालिफिकेशन भी साथ साथ दे रखी है, बैचलर्स ऑफ डिग्री होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने कर रखी हो, लेकिन इसमें स्पीड मांगी है, ये आपकी टाइपिंग स्पीड मांगी है, तो इसमें देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में टाइपिंग स्पीड मांगी। अटेंडेंस MTS भी है, 3 पोस्टेज हैं इसमें, एज एजुकेशन भी दे रखी है, पूरी जानकारी है, इस PDF को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, पूरी जानकारी दी गई है सिलेबस से लेकर पूरी पोस्टों के बारे में। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।